जाएगा, आपको वहाँ बाकी सेटल नहीं होंगे आप। ऐसा नहीं कि वहाँ सेटल हो जाए, अपना काम करेंगे, जो भी आपको जॉब वगैरह है वो आप करेंगे, दो तीन साल रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा परमानेंट सेटल का वहाँ पर कोई योग ऐसा नहीं बना हुआ है आपके कि परमानेंट सेटल आप हो जाएंगे। उस जो आप वहाँ पर जा रहे हैं, जिस भी काम में जाएंगे, उसमें सफलता मिलेगी। एक छोटे छोटे मैं एक दो उपाय आपको बताता हूँ जो आप करें। अनाथालय में, किसी भी अनाथालय में जा कर के थोड़ा सा आटा या उनके दाल वगैरह जो भी चीज़ होती है उनको, उसके लिए या तो कुछ धन मुद्रा दे दें या अपने घर से ले जा कर के एक बोरी आटा और थोड़ा सा दाल वगैरह जो भी होती हैं वो आप उनको दिलवा दें। आपको इसी से आराम मिल जाएगा, क्योंकि हम जब विदेश जाएंगे, क्योंकि विदेश जाने के योग तो बने हुए हैं ही, उसमें तो कोई परिवर्तन है ही नहीं। जब विदेश जाएंगे तो हम एक बिल्कुल अपने घर से हट करके जाएंगे, हमारा घर परिवार यहाँ होगा और हम वहाँ होंगे। तो एक किस्म से ये आप समझ लीजिए कि आपका जो घर के ऊपर, घर पे जब सब लोग परिवार होता है वो नहीं होता है तो थोड़ा कष्ट जरूर होता है। आप भले अभी नहीं गए हैं इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा है, जब आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि वहाँ विदेश जाने में कोई ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया है। आदमी जॉब के लिए जाता है, काम के लिए जाता है, काम करता है, जॉब करता है, उसके लिए जाता है, ना कि अपने परिवार को छोड़ने के लिए कि भाई हाँ चलो यहाँ नहीं कि वहीं चलेंगे। दूसरी चीज़ ये है, सूर्य भगवान की आराधना हमारे जैन धर्म के अनुसार भगवान प्रथम प्रभु जी के स्मरण करने से होती है। और सूर्य जो है, ये सूर्य पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, लिहाजा आपको यदि थोड़ी सी भी कष्ट लगता है कि आपका वीजा नहीं बन रहा है या कोई और परेशानी आ रही है, तो आप भगवान पद्म प्रभु जी का स्मरण करें। हो सकता है एक बार पद्मा, ये यहाँ पर है जयपुर के पास में पद्मपुरा जगह है, वहाँ हो आए, आपका काम निश्चित हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं उमंग जैन जी कि आपको अपने समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे और आशा करते हैं कि समाधान से आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उदयपुर से मोहित जैन जी पूछते हैं कि घर में कलेश रहता है, क्या करें? मोहित जी, जो आपने मालूम किया है कि आपके घर में कलेश रहता है, इस कलेश का कारण कुछ भी हो, आपका अपना व्यवहार हो या आपके यहाँ परिवार में रहने वाले किसी और व्यक्ति का कसूर हो, कसूर किसी का भी हो, आपको घर में जो कलेश रहता है उसका एक कारण मैं जो समझता हूँ वो ये है कि आपके घर में चावल की मात्रा बहुत कम होगी, यानी आपके घर में ज़्यादा 10-15 किलो चावल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। आपको मैं सजेशन दूंगा कि कम से कम आप एक कुंटल यानी 100 किलो चावल घर में रखें, उससे आपको इस गृह कलेश में शांति मिलेगी। अब आप दूसरी चीज़ एक और है कि एक ये नमक होता है, नमक के पानी से कभी कभी अपने घर में जो पोछा लगाया जाता है, सफाई की जाती है, वो नमक के पानी से आप पोछा लगाएं, उससे भी जितनी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में है, जो इस बात को जाहिर करती है कि घर में क्लेश होता है, क्योंकि सारे परिवार में सभी सदस्यों का कसूर नहीं हो सकता। एक बात आप मान के चलिए कि कुछ लोगों का कसूर हो सकता है, एक का कसूर हो सकता है, दो का कसूर हो सकता है। आपके ने लिखा है कि आपके परिवार में 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य होने के बाद 8 के 8 का कसूर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके यहाँ पर प्रभावित है और उस नेगेटिव ऊर्जा को हमें किसी भी तरीके से निकालना है। सोच किसकी है, चाहे एक की हो या दो की हो, प्रभाव हर एक पर डाल रही है। इसके लिए आपको नमक, पानी में नमक डाल करके और उसका पोछा लगा करके वो घर से बाहर फेंकना है, घर के अंदर नहीं रखना है, घर के बाहर फेंकना है, और चावल घर के अंदर आपके पास होना चाहिए। घर में अगर चावल कम है तो और बढ़ा लीजिए, आप खुद देखेंगे कि इससे ही, इसी के प्रभाव से आपको घर में शांति का वातावरण होना शुरू हो जाएगा, घर में कलेश कम होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कभी कभी एक हमारे पुराने टाइम में होता था कि आजकल वॉशिंग मशीनें आ गई हैं, पहले होता था कि वो कपड़े को पीटने के लिए वो डंडा होता था, डंडा, वो डंडे से कपड़े को पीटते थे। तो अगर कभी ऐसा फिर देखते हैं आप कि भाई हाँ इस तरह का फिर भी नहीं रुक रहा है, तो अपनी मिसिस को बोलिए या किसी को भी बोलिए कि थोड़ा सा एक डंडा ले करके वो एक दो कपड़े को पीट ले, इससे भी शांति मिल जाएगी।
तो चलिए मोहित जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। दर्शकों, हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन फिर आपको याद दिला दें, यदि आपके जीवन में भी हैं समस्याएं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, तो आप सर संजय जैन जी को अपने घर आमंत्रित भी कर सकते हैं। इनसे संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। सर, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे इसी समय पर, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।